नमस्कार हरि प्रेमियों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। हरि प्रेमियों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आइए आज का प्रसंग शुरू करते हैं। आज का प्रसंग है श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 14। हरि प्रेमियों, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकॉन को जरूर दबा लीजिए ताकि आप तक हमारे सारे नोटिफिकेशन पहुंच सके। हरि प्रेमियों, आपका एक भी सब्सक्राइब हमारे लिए बेहद मायने रखता है। आइए आज का ये प्रसंग शुरू करते हैं, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 14। हरि प्रेमियों, श्री भगवान ने 13वें अध्याय के अंत में कहा है कि ज्ञान चक्षु से अक्षेत्र और अक्षेत्रज्ञ के भेद को देखने वाला परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। अब प्रश्न होता है कि वह ज्ञान क्या है और उस ज्ञान की महिमा क्या है तथा उस ज्ञान की प्राप्ति का सबसे सरल उपाय क्या है। उसका वर्णन करने के लिए भगवान 14वें अध्याय का विषय आरंभ करते हैं। बंधन दो से होता है, प्रकृति से और प्रकृति के कार्य गुणों से। प्रकृति के बंधन से छूटने के लिए भगवान ने 13वें अध्याय का विषय बता दिया। अब प्रकृति के कार्य गुणों के बंधन से छूटने के लिए भगवान 14वें अध्याय का विषय आरंभ करते हुए पहले दो श्लोकों में ज्ञान की महिमा का वर्णन करते हैं। श्री भगवान बोले, संपूर्ण ज्ञानों में उत्तम और श्रेष्ठ ज्ञान को मैं फिर कहूँगा, जिसको जानकर सब के सब मुनि लोग इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। हे अर्जुन, इस ज्ञान का आश्रय लेकर जो मनुष्य मेरी सहधर्मता को प्राप्त हो गए हैं, वे महासर्ग में भी पैदा नहीं होते और महाप्रलय में भी व्यथित नहीं होते। हे भरत वंशोद्भव अर्जुन, मेरी मूल प्रकृति तो उत्पत्ति स्थान है और मैं उसमें जीव रूप गर्भ का स्थापन करता हूँ। उससे संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति होती है। हे कुंती नंदन, संपूर्ण योनियों में प्राणियों के जितने शरीर पैदा होते हैं उन सब की मूल प्रकृति तो माता है और मैं बीज स्थापन करने वाला पिता हूँ। महाबाहो, प्रकृति से उत्पन्न होने वाले सत्व रज तम ये तीनों गुण अविनाशी देही देह में बांध देते हैं। हे पाप रहित अर्जुन, उन गुणों में सत्व गुण निर्मल स्वच्छ होने के कारण प्रकाशक और निर्विकार है। वह सुख की आसक्ति से और ज्ञान की आसक्ति से देही को बांधता है। हे कुंती नंदन, तृष्णा और आसक्ति को पैदा करने वाले रजोगुण को तुम राग स्वरूप समझो। वह कर्मों की आसक्ति से जीवात्मा को बांधता है। हे भरतवंशी अर्जुन, संपूर्ण देहधारियों को मोहित करने वाले तमोगुण को तुम अज्ञान से उत्पन्न होने वाला समझो। वह प्रमाद आलस्य और निद्रा के द्वारा देह के साथ अपना संबंध मानने वालों को बांधता है। हे भरत वंशोद्भव अर्जुन, सतोगुण सुख में और रजोगुण कर्म में लगाकर मनुष्य पर विजय करता है, परंतु तमोगुण ज्ञान को ढककर एवं प्रमाद में लगाकर मनुष्य पर विजय प्राप्त करता है। हे भरत वंशोद्भव अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सतोगुण बढ़ता है, सतोगुण और तमोगुण को दबाकर रजोगुण बढ़ता है, वैसे ही सतोगुण और रजोगुण को दबाकर तमोगुण बढ़ता है। अर्जुन, जब इस मनुष्य शरीर में सब द्वारों इंद्रियों और अंतकरण में प्रकाश स्वच्छता और विवेक प्रकट हो जाता है, तब यह जानना चाहिए कि सतोगुण बढ़ा हुआ है। हे भरत वंश में श्रेष्ठ अर्जुन, रजोगुण के बढ़ने पर लोभ प्रवृत्ति कर्मों का आरंभ अशांति और सप्रिहा ये वृत्तियां पैदा होती हैं। हे कुरु नंदन, तमोगुण के बढ़ने पर अप्रकाश अप्रवृत्ति तथा प्रमाद और मोह ये वृत्तियां भी पैदा होती हैं। हे अर्जुन, जिस समय सतोगुण बढ़ जाता है उस समय यदि देहधारी मनुष्य मर जाता है, वह उत्तम वेताओं में
के निर्मल लोकों में जाता है। रजोगुण के बढ़ने पर मरने वाला प्राणी कर्म संगी मनुष्य योनि में जन्म लेता है तथा तमोगुण के बढ़ने पर मरने वाला मूड योनियों में जन्म लेता है। हे कुंती नंदन, शुभ कर्म का तो सात्विक निर्मल फल कहा गया है, राजस कर्म का फल दुख कहा गया है और तामस कर्म का फल अज्ञान मूढ़ता कहा है। सतोगुण से ज्ञान और रजोगुण से लोभ ही उत्पन्न होते हैं। तमोगुण से प्रमाद मोह एवं अज्ञान भी उत्पन्न होते हैं। हे अर्जुन, सतोगुण में स्थित मनुष्य उद्धर्व लोकों में जाते हैं, रजोगुण में स्थित मनुष्य मृत्यु लोक में जन्म लेते हैं और निंदनीय तमोगुण की वृत्ति में स्थित तामस मनुष्य अधोगति में जाते हैं। हे कुंती नंदन, जब विवेकी विचार कुशल मनुष्य तीनों गुणों के सिवाय अन्य किसी को करता नहीं देखता और अपने को गुणों से पर अनुभव करता है, तब वह मेरे सत स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। हे अर्जुन, देहधारी विवेकी मनुष्य देह को उत्पन्न करने वाले इन तीनों गुणों का अतिक्रमण करके जन्म मृत्यु और वृद्धावस्था रूप दुखों से रहित हुआ अमरता का अनुभव करता है। हे प्रभो, इन बातों को सुनकर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से बोले, हे प्रभो, इन तीनों गुणों से अतीत हुआ मनुष्य किन लक्षणों से युक्त होता है, उसके आचरण कैसे होते हैं, इन तीनों गुणों का अतिक्रमण कैसे किया जा सकता है। श्री भगवान बोले, हे पांडव, प्रकाश और प्रवृत्ति तथा मोह ये सभी अच्छी तरह से प्रवृत्त हो जाए तो भी गुणातीत मनुष्य इनसे द्वेष नहीं करता और ये सभी निवृत्त हो जाए तो इनकी इच्छा नहीं करता। हे अर्जुन, जो उदासीन की तरह स्थित है और जो गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता तथा गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, इस भाव से जो अपने स्वरूप में ही स्थित रहता है और स्वयं कोई भी चेष्टा नहीं करता, जो धीर मनुष्य दुख सुख में सम तथा अपने स्वरूप में स्थित रहता है, जो मिट्टी के डेले पत्थर और सोने में सम रहता है, जो प्रिय प्रिय में सम रहता है, जो अपनी निंदा और स्तुति में सम रहता है, जो मान और अपमान में सम रहता है, जो मित्र शत्रु के पक्ष में सम रहता है, जो संपूर्ण कर्मों के आरंभ का त्यागी है, वह मनुष्य गुणातीत कहा जाता है। कुंती नंदन, जो मनुष्य अव्यभिचारी भक्ति योग के द्वारा मेरा सेवन करता है, वह इन गुणों का अतिक्रमण करके ब्रह्म प्राप्ति का पात्र हो जाता है, क्योंकि ब्रह्म का और अविनाशी अमृत का तथा शाश्वत धर्म का और एकांतिक सुख का आश्रय मैं ही हूँ। प्रेमियों, श्रीमद् भगवद गीता का 14वां अध्याय समाप्त हुआ। हरि प्रेमियों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद। हरि प्रेमियों, जय श्री कृष्णा।